तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे अपना कोई वीडियो दूसरा कोई अपने चैनल पर अगर लोड कर लेता है तो उसको हम कॉपीराइट कैसे भेज सकते हैं, या फिर कहें कि हम उसे कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं, या ये कहें कि हम उनके चैनल से अपना वाला वीडियो कैसे डिलीट करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। क्योंकि जो मेहनत करके, जो आपने लगन से मेहनत से जो अपना खुद का वीडियो बनाया होता है, वो अगर किसी ने डाउनलोड करके वो अपने खुद के चैनल पर अपलोड कर लेता है तो आपका उससे फ़ायदा नहीं होता है, बगैर नुकसान ही पहुंचता है। क्योंकि आपका जो फ़ायदा होने वाला होता है, जो आप उससे कुछ कमा सकते थे, वो उसका हिस्सा कुछ ले जाएगा। इसीलिए अगर आपको ये लगेगा कि वो हमारा वीडियो डुप्लीकेट करके वह डाउनलोड करके वो अपना खुद का चैनल पर अपलोड कर लिया है, तो उसको चैनल से कैसे रिमूव करवाएं, या कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजें, या कैसे कॉपीराइट का आप क्लेम कर सकते हैं, ये बात आज के वीडियो में हम जानेंगे। मगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम लोग ऐसे ही आप लोगों को जानकारी मूलक वीडियो सब लेके आते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लाइव देखेंगे कि कैसे हम जो हमारा वीडियो को कॉपी करके डाउनलोड करके वो अपने खुद के चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसको हम कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजते हैं, और कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने के बाद उसका वीडियो कैसे रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है उसका चैनल से, ये भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। सो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजना है और कैसे खुद का वीडियो दूसरे के चैनल से कैसे हटाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना चैनल ओपन करना होगा। जैसे ही हम खुद का चैनल अपना ओपन करते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि इधर आपका कॉपीराइट लिखा होगा, उसको हम क्लिक करते हैं। और कॉपीराइट क्लिक करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ढेर सारा वीडियो का लिंक है, जो ये वीडियो दिखा रहा है कि आपके वीडियो कितने प्रतिशत कॉपी किया गया हुआ है। इस साइड में आप जो देख रहे हैं, इस साइड में दिखा रहा है कि ये चैनल वालों ने हमारा वीडियो कॉपी किया हुआ है, और इधर दिखाया हुआ है कि किस डेट में कॉपी किया है, और इधर दिखाया हुआ है उसका वीडियो पर कितना व्यू आया हुआ है, और इस साइड में दिखाया हुआ है उसने हमारे वीडियो का नाम बदल कर क्या रखा हुआ है। इधर मैसेज में भी देख सकते हैं आप, इधर मैसेज में भी वैसा ही रखा हुआ है जो आपको YouTube के तरफ से मैसेज आया हुआ है कि इतने इसने आपका वीडियो कॉपी कर लिया है और खुद का चैनल पर अपलोड कर लिया है। जैसे आप देख सकते हैं इधर दो ठो एड्रेस है, 200 एड्रेस में नीचे वाला जो है सो आपका खुद का नाम एड्रेस होगा वो, और ऊपर का जो है जिसने अपलोड कर लिया है उसका है। चलिए हम आपको इस लिंक पर क्लिक करके दिखाते हैं कि उसने हमारा वीडियो, कौन सा वीडियो कॉपी कर लिया है। जैसे ही हम ऊपर का इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ऊपर का वीडियो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसको हम कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे वो आप धीरे धीरे देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो के राइट साइड में यहाँ पर थ्री डॉट है, थ्री डॉट में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये रिपोर्ट दिखाई दिया, इस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही अब ये पॉपअप आ गया है। इस पॉपअप में हमको क्या करना है, यहाँ पर हम इन्फ्रिंग्स माई राइट्स में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद अब इसमें से हमको चूज करना है कॉपीराइट इश्यू, चूज कर लेंगे। कॉपीराइट इश्यू चूज करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज खुल जाएगा, और इस पेज में आते ही हम क्या करेंगे, सबमिट अ कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में एड अ वीडियो पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे टाइप ऑफ वर्क में सेलेक्ट करने को बोला गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वीडियो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें वीडियो का कॉपीराइट देना है। उसके बाद इधर आ गया कैटेगरी, कैटेगरी में हमें चूज करना है। इस कैटेगरी में पूछा गया है कि आपका वीडियो कहाँ से उसने कॉपी किया है, तो हमने क्या इसमें भरा है, फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल से ही उसने कॉपी किया हुआ है, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम नीचे आएंगे, अब इसमें हम अपना ओरिजिनल वीडियो का लिंक देंगे। यहाँ पर जो हमारा वीडियो जिसने कॉपी किया है वो ओरिजिनल वीडियो क्या है उसका लिंक देंगे, और हम यहाँ पर गए और यहाँ से उस वीडियो को ओपन किए, ये हमारा ओरिजिनल वीडियो खुल गया। अब इस ओरिजिनल वीडियो में से हम क्या करेंगे, इसका लिंक कॉपी करेंगे। अब हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर इसको हम लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो वीडियो है उसका लिंक आ चुका है।
अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो वीडियो कॉपी किया गया है वो पूरा वीडियो किया गया है या फिर कुछ पार्ट ही कॉपी किया गया है। तो हमारा वीडियो पूरा कॉपी किया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर इंटायर वीडियो सेलेक्ट किया है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर दिया गया है कि अब जो वीडियो आपका कॉपी किया गया है, जो वीडियो आपने उसने अपना खुद के चैनल पर डाला होगा, वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर डालना है। वो लिंक कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और फिर वहाँ पर पूछ रहा है कि क्या उसने उस वीडियो में आपका कुछ पार्ट ही कॉपी किया है या फिर पूरा वीडियो कॉपी किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर बताया कि फिर हमारा पूरा कॉपी ही वीडियो कर लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर फिर से आकर इंटायर वीडियो सेलेक्ट किए। इसी तरह उसने हमारा दूसरा वीडियो भी पूरी की पूरी कॉपी कर ली थी और उसने अपने चैनल पर अपलोड कर लिया था। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि फिर से उसी प्रोसेस को उसी तरह से फिर से दोबारा हम दोहराते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक वीडियो आ चुका है और दूसरा वीडियो को भी हम उसी तरह से लोकेशन देकर यहाँ पर ऐड करते हैं और दोनों वीडियो को एक साथ हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाले हैं। आप देखते जाइए, हम फिर से यहाँ पर अपना ओरिजिनल वीडियो और जो कॉपी किया था उसका चैनल का वो वीडियो भी हमने ओपन कर लिया है। अब दोनों का वीडियो का हम लिंक कॉपी करके यहाँ पर अलग अलग जैसे हमने पहले भरा हुआ था वैसे ही हम यहाँ पर भर देंगे, वहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हमारा दोनों वीडियो आ चुका है जिसको हमें कॉपीराइट स्ट्राइक देनी है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आपका इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो आपको फिलअप करना है। इसमें आप अपना सब कुछ फिलअप करते जाइए। इसमें आपका चैनल का नाम, आपका अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जिप कोड, जैसा इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा वो सब आप फिलअप करिए। सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आकर स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट रिमूवल नाउ में सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर चेकबॉक्स मिलेंगी। इस सारे चेकबॉक्स को आप टिक लगा दीजिए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपका कंप्लेंट झूठा निकला तो आपका चैनल भी सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप अगर सही में रियली में आपका किसी ने वीडियो चुराया है या फिर आपका वीडियो कॉपी करके किसी ने आपका कंटेंट चुराकर अपलोड अपने चैनल पर किया हुआ है तो ही आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दीजिए, वरना अगर आप झूठा ठहरते हैं तो आपका चैनल ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप सोच समझ कर काम कीजिएगा। और यहाँ पर क्या करना है, आपको तीनों चेक बॉक्स में टिक कर देना है। इसके बाद नीचे सिग्नेचर है, इसमें आपका अपना पूरा नाम रखना है। इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप रोबोट नहीं है, तो इसमें आप टिक कर दीजिए। इसके बाद ऊपर आकर यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिमूवल रिक्वेस्ट है, इसमें जो वीडियो को आप कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहते थे वो वीडियो यहाँ पर शो कर रहा है, वो लिंक एड्रेस के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वो बता रहा है कि वो प्रोसेस में है। अब वो डिलीट या फिर कहें कॉपीराइट स्ट्राइक या कहें रिमूवल होने के लिए रेडी हो चुका है, प्रोसेस में चला गया है। हाँ, आपको फिर बाद में कभी ऐसा लगे कि मैं इसको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देना चाहता हूँ तो आप फिर उसको वापस भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको रिट्रैक्ट और टेक डाउन लिख कर copyright@youtube.com में ईमेल कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है मुझे एक मेल मिला है और ये मेल मैं आपको खोल के दिखाने जा रहा हूँ। ये मेल मुझको मिला, इस मेल में क्या क्या लिखा है आप खुद देख लीजिए। इस मेल में सारी वही बात है जो बात मैंने वहाँ पर फिलअप किया था, मेरे ओरिजिनल वीडियो का लिंक एड्रेस, उसने अपलोड किया हुआ उसका लिंक एड्रेस, ये सारी बातें इसमें दी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि उसको 1 से 2 दिन के अंदर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। पहला मेल आने के बाद 10 घंटा के बाद में ही मुझे दूसरा मेल मिला है। वो मेल मैं खोल के आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर नोटिफिकेशन, द कंटेंट हैज़ बीन रिमूव्ड, यू मे टेक बैक योर क्लेम ऑफ कॉपीराइट। ये बता रहे हैं कि आपका कंटेंट उसके चैनल से रिमूव कर दिया गया है और अगर आप कभी भी क्लेम को वापस लेना चाहते हैं तो वापस हो सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इधर देख लीजिए, रिसॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व हो चुका है। और ये वीडियो यहाँ से खोल के देखते हैं, वीडियो खोलने के बाद वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर रिमूव हो चुका है उनके चैनल से। दूसरा वीडियो भी हम खोल के चेक कर लेते हैं, ये रहा,
दूसरा वीडियो भी खोलने के बाद वो वीडियो भी उनके चैनल से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।